माय चैनल। सो फ्रेंड्स, क्या आप अपने चेहरे के अनचाहे बालों से बहुत ज़्यादा परेशान हैं? आपकी जो हेयर ग्रोथ है वो बहुत जल्दी जल्दी आने लगती है क्योंकि बाहर की वैक्सिंग थ्रेडिंग आप बहुत ज़्यादा कराते हैं। सो ऐसे में फ्रेंड्स, आपकी स्किन लूज भी होने लगती है, आपकी स्किन पर टैनिंग भी होने लगती है और आप किसी ऐसी होम रेमेडी की तलाश में है जो नेचुरल तरीके से आपके फेशियल हेयर को रिमूव करे और दोबारा जो उसकी हेयर ग्रोथ है वो वापस भी जल्दी ना आए। तो फ्रेंड्स, ना दर्द ना पार्लर जाने का बार बार का झंझट, आज जो रेमेडी मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ वो घर की दो चीजों से ही बनके तैयार होगी और मिनटों में आपको आपके चेहरे के अनचाहे बालों से छुटकारा दिलाएगी। सो फ्रेंड्स, आज की ये होम रेमेडी बहुत ज्यादा पावरफुल होने वाली है। सो पूरी प्रोसेस को जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और साथ ही यदि आज की ये होम रेमेडी आपको पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इस तरीके की और रेमेडीज देखने के लिए आप मेरे चैनल को विद बेल आइकन सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आइए अब हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस होम रेमेडी को बनाने के लिए मैंने यहाँ लिया है क्लीन बाउल और उसमें 1 चम्मच के करीब मैं ऐड करूंगी गेहूं का आटा। उसके बाद फ्रेंड्स, इसमें मैं चुटकी भर के करीब ऐड करूंगी कस्तूरी हल्दी यानी कि वाइल्ड टर्मरिक। यदि आपके पास कस्तूरी हल्दी नहीं है तो आप किचन वाली हल्दी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर बस चुटकी भर ही आप इसको यहाँ इस्तेमाल में लेंगे। सो फ्रेंड्स, आटा जो होता है वो हमारी स्किन पे ईजिली चिपक जाता है और उसकी वजह से जो हमारा फेशियल हेयर होता है उसे हम आसानी से रिमूव कर देते हैं। साथ ही फ्रेंड्स, यदि इस रेमेडी को आप पूरे चेहरे पर लगाएंगे तो ये आपके चेहरे को काफी ज्यादा सॉफ्ट बनाता है। आपके चेहरे पर से जितने भी डेड सेल्स, व्हाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स हैं उन्हें भी ये रिमूव करता है। सो फ्रेंड्स, इसके बाद हम इसमें 1/3 चीज ऐड करेंगे जो कि है पील ऑफ मार्क्स। आप कोई भी पील ऑफ मार्क्स जो है यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 1 चम्मच एवरी यूथ का जो पील ऑफ मार्क्स है वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी और इन सारी चीजों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, इसमें हमने हल्दी का इस्तेमाल किया है जो कि हमारे कलर कॉम्प्लेक्शन को व्हाइटन अप करती है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं क्योंकि हमारी वैक्सिंग कराने के दौरान यदि स्किन पर एक्ने पिंपल्स हो जाते हैं, दाने हो जाते हैं तो उन्हें भी ये कंट्रोल करती है। फ्रेंड्स, यदि आपको लगे कि आपकी जो ये होम रेमेडी बहुत ज्यादा गाढ़ी होगी है तो आप इसमें कुछ ड्रॉप्स रोज वाटर का भी ऐड कर सकते हैं। आपके पास रोज वाटर नहीं है तो कच्चे दूध या फिर पानी का भी यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, आप इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, एक थिक सा पेस्ट बना लेंगे, लाइक मेहंदी या फिर केक का पेस्ट जैसा होता है उस तरीके से, जैसा मैं वीडियो में करके दिखा रही हूँ बिल्कुल वैसे ही आपको ये रेमेडी बना के तैयार करनी है। फ्रेंड्स, तभी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें आप करेंगे तो आपको बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट मिलेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ आप देख सकते हैं सारी चीज़ों को कितने अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है और ये हमारी फेशियल हेयर को रिमूव करने की एक अमेजिंग पावरफुल होम रेमेडी बनके तैयार हुई है। सो फ्रेंड्स, इससे मैं आपको आज अपने अपर लिप्स, अपने चिन के जो व्हाइट हेड ब्लैक हेड्स हो जाते हैं, डेड सेल्स जमा हो जाते हैं स्किन पर, उन्हें कैसे रिमूव करेंगे ये भी मैं करके दिखाने वाली हूँ। साथ ही फ्रेंड्स, इस रेमेडी से आप फुल फेशियल हेयर भी ईजिली रिमूव कर सकते हैं या फिर बॉडी के किसी भी पार्ट के हेयर को आसानी से रिमूव कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ मैं आपको अपने अपर लिप्स जो है वो रिमूव करके दिखाती हूँ कि किस तरीके से आप इस रेमेडी को अप्लाई करेंगे ये आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, जब आप इस रेमेडी को अपनी स्किन पर अप्लाई करेंगे हेयर रिमूव करने के लिए तो सबसे पहले आप ध्यान रखेंगे कि आपकी स्किन एकदम साफ सुथरी होनी चाहिए। आपकी स्किन पर किसी भी तरीके का धूल मिट्टी, पॉल्यूशन, मेकअप, पसीना नहीं होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ रोज वाटर की हेल्प से मैं अपनी स्किन को अच्छे से क्लीन कर लूँगी। आप चाहें तो नॉर्मल पानी से यहाँ फेस वॉश भी कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, जब भी आप किसी भी होम रेमेडी को ट्राई करें तो ध्यान रखें आपका स्किन एकदम साफ सुथरा होना चाहिए, आपके चेहरे पर किसी भी तरीके का मेकअप वगैरह नहीं होना चाहिए, तभी जो होम रेमेडी होती है वो आपकी स्किन पर अच्छे से काम कर सकेगी। तो यहाँ मैंने अपने फेस को अच्छे से क्लीन कर लिया है रोज़ वाटर की हेल्प से। मेरे फेस पर कोई भी मेकअप, धूल मिट्टी कुछ भी नहीं, एकदम क्लीन है चेहरा। उसके बाद फ्रेंड्स, आप इस रेमेडी को अपने फिंगर की हेल्प से या फिर किसी भी ब्रश की हेल्प से अच्छे से अपनी स्किन पर लगा लेंगे जहाँ का आपको हेयर रिमूव करना है। तो यहाँ मैं अपर लिप्स वाला जो एरिया है वहाँ का हेयर रिमूव करने जा रही हूँ, तो वहाँ पर मैं एक थिक लेयर पे इस रेमेडी को अप्लाई कर लूँगी। साथ ही फ्रेंड्स, मेरे चिन पर डेड सेल्स बहुत ज़्यादा जमा हो जाते हैं तो मैं अपनी चिन पर भी इस रेमेडी को एक थिक लेयर के साथ अप्लाई कर लूँगी। यदि आप इसे एज अ ग्लोइंग पैक की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इस रेमेडी को आप अपने पूरे फेस पर अप्लाई कर सकते हैं। ये रेमेडी आपके कलर कॉम्प्लेक्शन को भी ब्राइटन अप करेगी। यदि आपके चेहरे पर दाग धब्बे, पिगमेंटेशन की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो उसे भी ये लाइटन अप करेगी। इसमें फ्रेंड्स, हमने आटा का इस्तेमाल किया है जो कि चेहरे पे से सारे डेड सेल्स जो होते हैं उन्हें रिमूव करता है, स्किन के टेक्सचर को काफ़ी ज़्यादा स्मूथ बनाता है, स्किन को बहुत ज़्यादा सॉफ्ट एंड यूथफुल बनाता है। हल्दी एंटीसेप्टिक गुणों से भरपूर होती है जो कि आपके चेहरे पर होने वाली समस्याएं जैसे कि दाने हो जाना, रैशेज हो जाना, उन्हें भी ये कंट्रोल करती है। पील ऑफ मास्क के इस्तेमाल से फ्रेंड्स, हमारी स्किन में से ईजिली हेयर रिमूव हो जाता है, जिससे दोबारा जो होती है हेयर ग्रोथ जल्दी नहीं आती है। हर की वैक्सिंग थ्रेडिंग करा करा कर आप थक गए हैं और आपकी हेयर ग्रोथ है वो बहुत जल्दी जल्दी वापस आने लगी है। तो फ्रेंड नेचुरल होम रेमेडी ट्राई करेंगे आप तो नेचुरल तरीके से आपके जो हेयर है फेशियल हेयर वो रिमूव होंगे। तो फ्रेंड्स कई बार क्या होता है नेचुरल होम रेमेडीज होती हैं उनमें हम किसी तरीके का केमिकल ऐड नहीं करते हैं तो हमें इंस्टेंट रिजल्ट नहीं दे पाते हैं, लेकिन अगर उनको ट्राई करते रहें तो वो हम बहुत अच्छे से हमें रिजल्ट लेती हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि नेचुरल होम रेमेडीज़ हैं तो ये काम नहीं करती, ये काम करती हैं, बस इनको कई कभी कभी जो होता है इनका काम करने का जो तरीका होता है वो स्लो हो जाता है, लेकिन ये काम बहुत अच्छे से करती हैं। इनके जो रिजल्ट होते हैं वो लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। सो फ्रेंड्स इस रेमेडी को एक थिक लेयर के साथ मैंने अपनी स्किन पर अप्लाई कर लिया। आधे घंटे के लिए इसे हम अपनी स्किन पर ऐसे ही सुखाएंगे, एकदम ड्राई कर लेंगे। तो यहाँ मुझे आधा घंटा हो गया है और ऑलमोस्ट ये ड्राई हो गया। उसके बाद फ्रेंड्स आप अपवर्ड डायरेक्शन में इस रेमेडी को जब रिमूव करेंगे, पील ऑफ मास्क निकालेंगे, तो आप देखेंगे कि इस मास्क के साथ आपका जो फेशियल हेयर है वो निकल के रूट से बाहर आ जाएगा। सो फ्रेंड्स इस तरीके से आप अपने पूरे चेहरे के अनचाहे बालों को रिमूव कर सकते हैं, बॉडी के किसी भी पार्ट के हेयर को ईजिली रिमूव कर सकते हैं। वैक्सिंग कराने से यदि आपकी स्किन लूज पड़ गई है, काली हो जाती है, तो ये रेमेडी आपकी स्किन को लूज भी नहीं होने देगी और स्किन को काली भी नहीं होने देगी, साथ ही आपके कलर कॉम्प्लेक्शन को निखारने वाली है। तो फ्रेंड्स जब आप इस रेमेडी को रिमूव करेंगे, इस मास्क को निकालेंगे, उसके बाद आप अपनी स्किन को अच्छे से वॉश कर लेंगे। तो यहाँ मैंने अपनी स्किन को अच्छे से वॉश कर लिया है, ड्राई कर लेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स स्किन को मॉइस्चराइज करना आप बिल्कुल नहीं भूलिएगा, क्योंकि यहाँ पोर्स ओपन हो जाते हैं, उन्हें लॉक करना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है, नहीं तो फ्रेंड्स उनमें धूल मिट्टी घुसती है, फिर एक्ने पिंपल की प्रॉब्लम होने लगती है। तो आप जब भी वैक्सिंग करें तो अपनी स्किन को मॉइस्चराइज करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। तो यहाँ मॉइस्चराइज करने के लिए मैं एलोवेरा जेल का इस्तेमाल कर रही हूँ। मैं इसको अपने चेहरे पर हल्का सा अप्लाई करूँगी, हल्की सी मसाज करूँगी और उसको स्किन पर ऐसे ही सूखने दूंगी। एलोवेरा जेल हमारी स्किन को मॉइस्चराइज करता है, फुल टाइम हाइड्रेशन देता है। यदि आपका समय से पहले चेहरे पर झुर्रियाँ नज़र आने लगी हैं, दाग धब्बे नज़र आने लगे हैं, तो आप ये वाली रेमेडी ट्राई करेंगे। उसके बाद एलोवेरा से मसाज करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी स्किन का जो कॉम्प्लेक्शन भी लाइटन अप होगा, दाग धब्बे भी वो भी हल्के होंगे और साथ ही आपके अनचाहे बाल हैं वो जल्दी वापस लौट के नहीं आने वाले हैं। तो इस तरीके से मैंने इस रेमेडी को बनाया, अप्लाई किया, मुझे तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिले हैं, स्किन भी काफ़ी ज़्यादा ग्लो कर रही है। आप भी इस रेमेडी को जरूर ट्राई करिएगा एंड इसके रिजल्ट कैसे मिले हैं प्लीज़ मुझे कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो आई होप फ्रेंड्स ये था मेरा आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ आज की ये होम रेमेडी आप सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। इस रेमेडी को बहुत ही आसान है बनाना एंड अप्लाई करना। बहुत अच्छे रिजल्ट पाने के लिए आप वीक में 2 बार भी इस रेमेडी को ट्राई कर सकते हैं अपने अनचाहे बालों से छुटकारा पाने के लिए, साथ ही अपनी स्किन को ग्लोइंग भी बना सकते हैं। सो फ्रेंड्स रेमेडी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इस तरीके की रेमेडीज़ देखना पसंद करते हैं तो आप सभी से रिक्वेस्ट है चैनल को विद बेल आइकन सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ये टोटली फ्री होता है। आप नोटिफिकेशन ऑन करेंगे तो जब भी मैं वीडियो पोस्ट करूंगी तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकेगा और आप वीडियो देख सकेंगे। सो फ्रेंड्स मैं विभा इस वीडियो का यही करती हूँ एंड जल्दी मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना खूब सारा ख्याल रखिए, खुश रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।